नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने परीक्षाओं में को नकल विहीन कराने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रदेश के हर एक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। वहीं इस परीक्षा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए निदेशालय की तरफ से टोल फ्री नंबर के साथ साथ निदेशालय का फेसबुक ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं। वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 4 मार्च 2023 तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,487 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 27,69,258 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इस वर्ष 2023 की नकल विहीन बोर्ड परीक्षा को संपन्न कराने हेतु प्रदेश में कुल 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 16 फरवरी को होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय है और उसकी तैयारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में यहां पर एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे प्रदेश के सभी 18 मंडलों और सभी 75 जनपदों पर निगरानी रखी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ पर, और इस कंट्रोल रूम में सभी 18 मंडल के अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, लोग वहाँ बैठाए गए हैं जो पूरी ट्रेसिंग करेंगे, निगरानी करेंगे सभी 18 मंडलों में, और प्रत्येक जो 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, सभी जनपदों में यहाँ पर ट्रेसिंग होगी, देखा जाएगा, निगरानी की जाएगी। लगभग 8,763 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन सभी परीक्षा केंद्रों पर यहाँ निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सक्रिय है और हमेशा बता भी रही है कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के लगातार रणनीति बनी हुई है। जो नकल माफिया होंगे उन पर रासुका लगाने की बात भी सरकार कर रही है, और जो नकल करने वाले लोग होंगे उन पर भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर हम बात करें तो विगत वर्ष की भांति भी, और जब से योगी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ है, पहले कार्यकाल की बात करें या दूसरे कार्यकाल की बात करें, पहले कार्यकाल में भी नकल विहीन परीक्षा की सरकार की जो एक नीति थी उस पर काम हुआ था, और इस बार भी अब दूसरे कार्यकाल के में भी जिस तरह यहाँ बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं, उस बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ पर सरकार द्वारा पूरी एहतियात बरतते हुए यहाँ पर बताया गया है कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी ने बताया कि सरकार की जो नीति है वो नकल विहीन परीक्षा कराने की है, और सरकार इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतेगी, और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम इसी का मुजाहिरा है कि यहाँ पर व्यवस्था के साथ लोग बैठेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा, सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा, एक 75 अलग तरह के एक अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी, जो 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 आपके फ्लाइंग स्क्वाड और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट उन पर भी बात करेंगे, उनके यानी संपर्क में रहेंगे, और समय समय पर जाकर अलग अलग जनपदों में अलग अलग व्यवस्थाओं में जाकर चेक भी करेंगे, और निश्चित रूप से जो 75 अधिकारी रहेंगे इनका काम उस जनपद में कार्रवाई करना है, वहाँ पर देखना है, और देखना नकल विहीन परीक्षा वहाँ पर पूरी तरह से संभव हो पाए, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो फिलहाल नकल विहीन परीक्षा कराने की है, उस नीति पर योगी सरकार चलते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।